बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेक्चर को दोहराएंगे कि पिछले लेक्चर में हमने किन चीज़ों को पढ़ा। गालिब के हवाले से हम बात कर रहे थे कि गालिब के हालात ज़िंदगी के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि गालिब की ज़िंदगी के हालात क्या थे, उन्होंने कहाँ कहाँ के सफ़र किए, उन्हें कौन सी जो दुख और गम उनको दरपेश थे जो हमें उनकी नसर में नज़र आते हैं। इसके बाद हमने गालिब की शायरी और उसकी नसरी तसानीफ के हवाले से पढ़ा कि उनकी कौन कौन सी किताबें हैं जो हमें पढ़ने को मिलती हैं। आज हम गालिब हैसियत नसर नगार के हवाले से पढ़ेंगे कि गालिब ने नसर नगारी में क्या खिदमात सर अंजाम दी, या गालिब को नसर में किस चीज़ की वजह से अहमियत हासिल है। गालिब जो है वो हमारे उर्दू नसर के अव्वलीन बानियों में शुमार उनको किया जा सकता है। मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में जो नसर लिखी जा रही थी, हम उस नसर को अगर देखें तो उस नसर में दो उसलूब थे, यानी उस ज़माने में नसर के दो उसलूब थे। एक उसलूब था सादा और आसान उसलूब, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में नज़र आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज ऐसा कॉलेज था जिसमें अंग्रेज़ों की तालीम के लिए आसान अल्फाज में या आसान असर में किताबें लिखी जाती थीं। इसके बाद दूसरा जो उसलूब नज़र आता है वो है पुरतकल्लुफ़ और मुकफ़ा और मुसज्जा उसलूब, यानी ऐसी नसर लिखी जाती थी जिसमें अरबी और फ़ारसी की बहुत सारी जो तरकीब हैं वो इस्तेमाल होती थी। इस हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी किताबें हमें इस नसर में नज़र आती हैं, जैसे रजब अली बेग सरूर की किताब, और इसके अलावा उस ज़माने में बहुत सारी ऐसे लोग नसर लिख रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा पुरतकल्लुफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जो गालिब की नसर में हमें जो अंदाज़ नज़र आता है वो नहायत ही सादा है, क्योंकि आम लोग जो हैं वो नसर के आलमाना अंदाज़ को पसंद नहीं करते। वो बात को सादा और बिल्कुल सिंपल वे में लोग जो है बात को करना भी पसंद करते हैं और समझना भी। तो गालिब के खतूत में हमें जो बात नज़र आती है वो यही है कि गालिब ने बहुत ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ खतूत या नहीं लिखे, या उनकी तहरीरों में हमें बहुत ज़्यादा वो तरकीब अरबी और फ़ारसी की नज़र नहीं आती जो पहले नसर नगारों में के यहाँ नज़र आती थी। मिर्ज़ा गालिब ने जब उर्दू में खतूत नवीसी शुरू की तो उन्होंने शौरी तौर पर कोशिश की कि जिस शख्स को ख़त लिखा जाए वो आसानी से उसको समझ सके और वो उससे लुत्फ़ानंदोज़ भी हो, और उन पर यह राज खुल चुका था कि अबारत में ख़ामख़्वाह पेचीदगियाँ पैदा करना नामानूस तराकीब तशबीहात और इश्तहारात से उसे बोझल बनाना इल्म और फ़ेल के इजहार का सही तरीका नहीं है। यही वजह है कि गालिब ने अपने खतूत में जो तर्ज निगारिश मुतारिफ़ करवाया है इस बिना पर गालिब जदीद नसर के बानी करार दिए जा सकते हैं। चुनाचे उनका नसरी सरमाया ज़्यादातर खतूत की सूरत में हमें नज़र आता है। मिर्ज़ा गालिब ने तारीख अदब उर्दू में मुस्तकिल हैसियत अख्तियार करने के लिए जो नसर लिखी वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके खतूत हैं। मिर्ज़ा ने बहुत कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा वो नहायत ही शानदार अंदाज में लिखा। मिर्ज़ा ने जो नसर हम तक पहुंचाई और जिस उसलूब का आगाज़ किया उससे पहले उर्दू नसर को सीधे और साफ रस्ते पर नहीं लगाया गया था, लेकिन आपने उर्दू नसर को इस तरह और इस अंदाज से और इस तरीके से हमारे सामने पेश किया कि इससे पहले ऐसे कोई भी नसर नगार ना कर सका। गालिब से पहले जो नसर लिखी जाती थी वो ज़्यादातर नसर फ़ारसी और अरबी का मलजगा सा महसूस होती थी। हकीकत यह है कि गालिब के खतूत ही उर्दू नसर में सादा निगारी की तहरीक साबित होते हैं। मिर्ज़ा गालिब के ये खतूत अपने सादा उसलूब निगारिश की वजह से हमेशा पढ़े जाएंगे।
गालिब को खराज तहसीन पेश करते हुए एक निकाद हामद हसन कादरी ने कहा है कि नसर उर्दू में गालिब की अवलियत उनके रुकात की वजह से है। उर्दू खतूत नवीसी का गालिब ने जो तरीका ईजाद किया और उनमें जो जिद्दतें पैदा की और उनको जिस इल्तज़ाम और इंतज़ाम के साथ बरता, इसमें गालिब अव्वल भी हैं और आखिर भी। अच्छा, एक नसर के हवाले से एक बहुत जो मशहूर जो बात है वो ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि गालिब जो है वो अव्वलीन नसर नगारों में शुमार नहीं होते, बल्कि सर सैयद अहमद ख़ान जो नसर के हवाले से पहले नसर के बानी शुमार होते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब तहजीबुल अखलाक रिसाला लिखा तो उसमें ज़्यादातर उनकी ज़बान साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव थी। इसके अलावा उन्होंने असारुल सनादीद के हवाले से 1846 में एक किताब लिखी। असारुल सनादीद जो है वो एक तारीखी कुतब थी जिसमें दिल्ली की इमारतों को उन्होंने तरतीब वाइज लिखा और उन इमारतों की तफसीलात को बताया, जबकि गालिब ने 1850 में उर्दू नसर लिखी। हाल ही ने इनके बारे में, गालिब के खतूत के बारे में और गालिब की नसर के बारे में बताया है कि 1848 में गालिब ने उर्दू खतूत लिखने शुरू कर दिए थे और ये बात तयशुदा है कि ज़बानी लिहाज से सर सैयद ने पहले नसर लिखी, लेकिन ये नसर इतनी जदीद नसर नहीं थी बल्कि कदीम नसर ही का एक हिस्सा थी। कदीम नसर में पुरतकल्लफ इज़हार ख़्याल को ही कमाल फ़न समझा जाता था, लेकिन चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान ने आने वाले दौर के तकाज़ों से चूँकि वो वाकिफ़ हो चुके थे, इसलिए गालिब ने आने वाले दौर का अंदाज़ा करके नसर को सादा और आसान बना दिया। गालिब की नसर की जो नुमाया ख़ूबी हमें नज़र आती है वो है मुद्दा निगारी, यानी ऐसी नसर लिखी जाए जिसमें जज्बात की पूरी अकासी हो जाए और किसी किस्म का बनावट और तकल्लुफ ना हो। नसर उर्दू में गालिब की अवलियत उनके रुकात की वजह से है। उर्दू खतूत नवीसी का गालिब ने जो तरीका ईजाद किया, उनमें जो जिद्दतें पैदा की और उनमें जो उनको जिस इल्तज़ाम और इंतज़ाम के साथ बरता, इसमें गालिब का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। गालिब जो है वो अपनी नसर के हवाले से बहुत मशहूर है और बहुत सारे हमारे नकादों ने गालिब को खराज तहसीन पेश करते हुए बहुत सारे खूबसूरत अल्फाज में उनके बारे में लिखा है। जैसे कि ग़ुलाम रसूल महर तहरीर करते हैं कि गालिब के खतूत में उनके दिल व दिमाग की मुकम्मल तस्वीर खुद उनके मुँह कलम से तैयार होकर सामने आ गई है और ये तस्वीर उस जामिया से ना उनके कुलियात नज़म फ़ारसी में मिलती है और ना ही नज़म उनकी कुलियात नसर फ़ारसी में मिलती है और ना ही उर्दू में, और जो हमारे यहाँ उनकी यगाना शोहरत का शेर परवाज है। इसके अलावा शौकत सब्ज़वारी जो एक और मशहूर नाक़तों में शुमार होते हैं, उन्होंने गालिब के हवाले से, गालिब के खतूत के हवाले से उनको खराज तहसीन इन अल्फाज में पेश किया कि गालिब हमें इसलिए अज़ीज़ है कि हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और ये बात उनके खतूत के मुताले से हासिल हुई है। अगर गालिब खतूत ना लिखते तो हमारी ज़बान और अदब का इससे ज़िया होता, ये अलग बात है कि हम उन्हें कभी जान ना सकते। यानी गालिब ने अपने ख़तों में जो नसर इस्तेमाल की और जो अंदाज़ अपनाया उसमें जा बजा हमें गालिब के ज़िंदगी के हालात भी मालूम होते हैं और उस दौर में और उस हद में जो जो अहम वाक़ियात हुए वो उसकी तारीख भी वो अपनी खतूत की नसर में लिखते चले जाते हैं। लिहाजा गालिब की जो नसर है वो इस लिहाज से बहुत मशहूर है और बहुत सारे मुअर्रख जो हैं वो उस ज़माने के यानी 18वीं सदी के हालात और वाक़ियात को जानने के लिए गालिब के खतूत के तरफ भी रुख करते हैं। अजीब तालबात, आपको गालिब की नसर के हवाले से मैंने बताया, उसकी अहमियत के बारे में बताया और बताया कि गालिब जो हैं उनकी नसर ज़्यादा बहुत ही सादा अंदाज में लिखी गई है और उनकी बातों को और उनके खतूत को पढ़कर हमें ऐसे अंदाज़ा होता है कि जैसे गालिब हमारे सामने बैठकर बात कर रही हूँ। गालिब ने अपने खतूत में
किसी किस्म के अलकाब व अदाब का ख्याल नहीं रखा, बल्कि उन्होंने नहायत बेतकल्लफ़ी से और सादा अंदाज में अपने खत लिखने वालों को उन्होंने उसमें मुखातब किया है। आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि गालिब बहसियत नसर निगार आपको समझ आ गई होगी, आप इसको पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।